हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग का अपना चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग, और इसमें हम लेक्चर वाइज एक एक करके कंसेप्ट समझते हुए आ रहे हैं। और आज हमारे पास आ गया है एबनॉर्मल गेन। आज हम देखेंगे कि भाई एबनॉर्मल गेन अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। और प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट की बात की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं ये कहूंगा आपसे कि भाई पहले उसको देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, या फिर ज्यादा बेहतर यह है कि प्लेलिस्ट जो हमारी है कॉस्ट अकाउंटिंग वाली, उसमें जाकर प्रोसेस कॉस्टिंग को अच्छे से लेक्चर वाइज जो है सीक्वेंस में आप देखिए। अगर आपने पहले से नहीं देखा हुआ है तो सही आपको समझ में आता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। क्योंकि ज्यादा अच्छा ही होता है कि भाई कोई भी चीज आप समझ रहे हैं तो उसको फ्रॉम द स्क्रैच आपको स्टार्ट करना चाहिए। खैर, यहाँ पर हमारे पास देखिए क्वेश्चन आ गया है। इन प्रोसेस बी 75 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस ए। याद होगा जब एबनॉर्मल लॉस की बात कर रहे थे वहां पे यही तो हुआ था। प्रोसेस ए अकाउंट बनाया था, 75 यूनिट्स बचे थे उसमें जो प्रोसेस बी में चले गए थे। एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1310 ये वैल्यू आ रही थी। द एडिशनल एक्सपेंसेस वर ₹190, इतना खर्चा और हुआ। 20% ऑफ द यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड आर नॉर्मली लॉस्ट, नॉर्मल लॉस दे रखा है हमें। एंड सोल्ड एट ₹4 पर यूनिट, कितने के बिक जाते हैं बता रखा है। प्रिपेयर प्रोसेस बी अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट इफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी वॉज 70 यूनिट्स। 70 यूनिट्स बनके निकले, समझिए जरा। तो सबसे पहले भाई आपने देखा टू प्रोसेस ए अकाउंट, है ना। प्रोसेस ए से आए हैं 75 यूनिट्स जिनकी वैल्यू है 1310। इतनी बात समझ में आ रही है भाई, आसान है। फिर कह रहे हैं कुछ खर्चा और हुआ, तो आप चले आगे देखिए, टू अदर एक्सपेंसेस कितने के हो गए हैं 190 के। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर कह रहे हैं जितना आपने टोटल बनाया है, तो बनाया कितना है हमने फिलहाल 75 यूनिट्स, ये कह रहे हैं इसका 20% तो खराब होना ही होना है। तो बाय नॉर्मल लॉस 20% 75 का करेंगे अगर, तो 15 यूनिट्स हो गए भाई जो खराब होने होने हैं। और बता रहे हैं परेशान मत हो, ₹4 का बिक जाएगा, तो चलो ₹4 तो बच गए, तो ₹60 जो है वो आपको मिल जाएंगे। फिर ये बता रखा है कि यहां का आउटपुट जो है वो कितना बन के निकला 70 यूनिट्स का, तो बाय फिनिश्ड स्टॉक, फिनिश स्टॉक जो है वो बन के निकला है 70 यूनिट्स का। इतनी बात ठीक है। अब समझने वाली चीज ये है कि जब हमने इंट्रोड्यूस किए थे तो 75 यूनिट्स थे, कितने थे 75, जिसमें से 15 तो खराब होने होने, इसका मतलब जो नॉर्मल आउटपुट होता वो कितना होता 60 यूनिट्स का, जबकि बनकर जो एक्चुअल आउटपुट निकला है वो 70 यूनिट्स का निकल गया। तो इसको हम कहेंगे एबनॉर्मल गेन हो गया साहब। कितना गेन हो गया 10 यूनिट्स का, क्योंकि बनना चाहिए था कम, बन गया ज्यादा, तो 10 यूनिट्स का है एबनॉर्मल गेन। और क्योंकि गेन है तो इसको आप शो करेंगे देखिए यहां पर, तो टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट, और एबनॉर्मल गेन जो है वो कितना बता रहे हैं 10 यूनिट्स का है भाई। अब सवाल यहां से चलेगा हमारा कि इन 10 यूनिट्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए और फिर इन 70 यूनिट्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए, इसको हमें समझना है। तो फॉर्मूला वही आपके पास है, क्या है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। यहां पे आगे देखिए क्या कर रहे हैं, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट का मतलब होता है कि यहां जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू है यहां पे, यहां लिखा हुआ है हमारा फिलहाल 1500, टोटल करके देखिए ना 1500, जिसमें से 60 हटा दीजिए तो 1440 नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट अपॉन नॉर्मल आउटपुट कितना है भाई 60 इनटू। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं देखिए एक एक करके, तो एक एक करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 1440 डिवाइड बाय 60, ये तो बन जाएगा आपका 24। इसका मतलब हमें करना है असल में 24 इंटू 70, है ना, तो इंटू 70 ये वैल्यू बन गई 1680। इसका मतलब जो फिनिश स्टॉक है वो तो 1680 का है। ऐसे यहां पे आ जाइए, क्या है देखिए 24 आया है ना, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट अपॉन नॉर्मल आउटपुट, इस बार कर देंगे आप इंटू 10, क्योंकि 10 यूनिट्स की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो 240 हो गई, टोटल हो गया 1740, यहां पर हो गया 85। ये देखिए अपने आप बराबर हो गया 85, और इसको टोटल कर लेंगे 1740 ही वैल्यू यहां पर आ जाएगी। ये हमने देखिए बहुत आराम से प्रिपेयर कर लिया अपना प्रोसेस बी अकाउंट।
और अब हम चलते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हम बताएंगे कि यहां पर नाम आया है ना, तो यहां पर बताना पड़ेगा हमें बाय प्रोसेस बी, कि प्रोसेस बी से कितना गेन लेकर आए हम 10 यूनिट्स का, जिसकी वैल्यू है 240। लेकिन ये पूरा गेन आपका नहीं होगा, इसमें से अब आप राइट ऑफ कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं उस लॉस को जो नॉर्मल लॉस था। लेकिन ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि नॉर्मल लॉस है 15 का, लेकिन जो एबनॉर्मल गेन हुआ है वो सिर्फ 10 यूनिट्स का है, तो सिर्फ 10 यूनिट्स की वैल्यू ही राइट ऑफ हो पाएगी। तो क्या करेंगे आप, देखिए 2 नॉर्मल लॉस, 15 नहीं सिर्फ 10 यूनिट, क्योंकि 10 का ही गेन हुआ है, तो जितना गेन है सिर्फ उतने ही यूनिट्स आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो भी कितने रुपए से हुआ है, 4-4 रुपए का तो बिक पाया जो कबाड़ा निकला था आपका, तो इसका मतलब ये है कि 4 रुपए के हिसाब से 40 रुपए बन गए, कितना हो गया 40। अब आपको पता लगेगा असल में आपका गेन कितना हुआ है, तो 2 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, कितना हो गया 200 रुपीज का आ गया। ये बना लिया आपने एबनॉर्मल गेन अकाउंट, और ये था हमारा प्रोसेस बी अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है एबनॉर्मल गेन अकाउंट। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।